हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे, ये मेरे पास हैं तोरी के जो छिलके होते हैं तोरी के, ये तोरी के छिलके हैं। आज हम इनकी बहुत अच्छी सी एक टेस्टी सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये इनको मैंने इनको दो सीटी लगा के मैंने बॉईल कर लिया है, उबाल लिया है इनको। अब ये जैसे थोड़ा जूसी हो रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका पानी निचोड़ देते हैं। और पानी निचोड़ के इनका, उसके बाद में इनको हम लहसुन के जमे बारीक बारीक काट के उसका तड़का लगाएंगे और टमाटर की चटनी के साथ उसको मिक्स करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसका पानी निचोड़ के इसको तैयार करते हैं। ये देखिए इसकी बॉल बन जाएंगी। ये जितना भी पानी हो, कोशिश करें कि बहुत अच्छे से पानी इसका निचोड़ जाए, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा अच्छे से निचोड़ेगा तो उतना ही सब्ज़ी में टेस्ट ज़्यादा बनेगा, क्योंकि सब्ज़ी हमारी थोड़ा ड्राई होगी तो स्पाइसी लगेगी फिर, और अगर पानी ज़्यादा होगा तो उसको भूनने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कोशिश करेंगे हम बहुत अच्छे से इसको सारा पानी इसका निकाल दें, बिल्कुल ड्रेन कर दें इसको। ये हमने फ्लेम ऑन कर दिया और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इसको थोड़ा हीट अप होने देंगे ऑयल को, ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें लहसुन के जमे मैंने बारीक छील लिए हैं, ये लहसुन के जमे हैं। ये लहसुन के जमे ये बारीक कर लिए मैंने और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। इसके ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल के इसको फ्राई करते हैं। लहसुन फ्राई हो चुका है, देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है लहसुन। अब मेरे पास टमाटर की सिंपल चटनी है, जिसको 1 टेबलस्पून टमाटर की चटनी हम यूज़ करेंगे इसके साथ। इसे हम भून लेंगे। चटनी भून चुकी है और इसके साथ हम ऐड कर देंगे ये सब्ज़ी, और सब्ज़ी डाल के इसको अच्छे से भूनना है, ताकि जो मॉइस्ट है सब्ज़ी के अंदर वो भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए और स्पाइसी बने। सो मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये 1 टीस्पून नमक भी इसके साथ ऐड करेंगे बस, और किसी मसाले की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये इसको मैं मीडियम फ्लेम पे इसको बना रही हूँ। ये बहुत अच्छे से भुन रहा है, लेकिन इस मुझे लगता है कि हमें इसको थोड़ा सा और मैश कर देना चाहिए। ऐसा आपके पास कोई मैशर हो उससे इसको आप अच्छे से मैश कर सकते हैं, या कोई आपके पास कोई गोल वाला चम्मच हो उससे भी मैश किया जा सकता है इसको, क्योंकि मैश करने के बाद ये भुनने में और ज़्यादा टेस्टी लगेगा, भुनने के बाद और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हम इसको मैश करेंगे कि जितना घुटा हुआ होगा उतना ही जायकेदार होगा। ये देखिए तैयार हो चुकी है हमारी तोरी के छिलके की सब्ज़ी, और ये वाकई बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। अब हम इसको सर्व करते हैं, आप भी इसको ट्राई करें और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये, आप इसको बनाएं और इसको खाएं और फिर मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगती है, क्योंकि ये होता है हमारा आम के आम और गुठलियों के दाम। हमने तोरी बनाई और तोरी के छिलके भी हमने बना लिए, और वाकई बहुत एरोमेटिक हमारी ये सब्ज़ी तैयार है। ये देखिए बहुत अच्छा, एकदम कलरफुल और एकदम ग्रीन वेजिटेबल हमारी। इसको हमने वेस्ट नहीं जाने दिया, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हमने इसका किया है। आप इसको रोटी के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें।